हम डेटा देखें ये वीक में तो रोल ओवर जो है रिलेटिवली लोअर है कम्पेयर टू लास्ट एक्सपायरी, तो ये दिखाता है कि ट्रेडर्स लोग ना कोई शॉर्ट पोजिशन भी क्रिएट कर रहे हैं ना ही ज्यादा अग्रेसिवली लॉन्ग का है। तो एक तरफ से ये थोड़ा सा बेटर ही है बिकॉज जो हमने वोलेटिलिटी ये महीने में देखी, अगर रोल ओवर कम होता है उसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेंड के लिए लोग वेट करना चाहते हैं और वोलेटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो रोल ओवर कलेक्टिवली देखा जाए तो रिलेटिव लो है, निफ्टी का रोल 56% है कंपेयर टू 80% जो एक्सपायरी पे रहता है, और बैंक निफ्टी का रोल है 50% जो कि लास्ट टाइम 84% था। तो हमें देखना है कि मार्केट के बाद फाइनल रोल ओवर फिगर्स क्या आते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो लेकिन निफ्टी 3% अप रहा है ये एक्सपायरी में, मोस्ट ऑफ सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के दिन में हुआ, जैसे हम आज गैप अप खुले थे उसके बाद हमने देखा कि अच्छा सेल ऑफ आया था, और फिर बाद में 11 बजे के बाद से ये थोड़ा सा थम गया है। तो उस पॉइंट से 11:15 से अभी तक में अगर हम देखें तो एक यूनिक डेटा जो इन दिनों हम ट्रैक कर रहे हैं वो है कि बायर इनिशिएटिव ट्रेड, उसका मतलब ये है कि कितने ट्रेड हुए हैं जो कि आस्क प्राइस पे हुए हैं, तो वो रिलेटिवली बढ़ते जा रहे हैं कंपेयर टू द सेलर इनिशिएटिव ट्रेड। तो ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे करीब 14,860 से 880 के बीच में थोड़ा अक्यूमुलेशन हो रहा है निफ्टी में, और एक्सपायरी से रिलेटेड 14,950 तक आज के दिन में जा सकता है। तो बायस पॉजिटिव है एक्सपायरी के लिए करंट लेवल से, और थोड़ा डिप आए करीब 14,870 करीब आए तो बाय करने की सलाह है। टारगेट होएगा 14,950, वो क्रॉस करता है तो 980 डूबल है आज के दिन के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 14,830 का। बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बेटर है पोजीशन वाइज, तो उसका लेवल्स बन रहे हैं करंट लेवल 33,600 से 33,400 पे बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट होएगा 34,000 का, वो क्रॉस करता है तो 34,100 वो भी डूएबल है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 33,300 का। तो ओवरऑल एज अ होल सेक्टर वाइज भी पॉजिटिव मोमेंटम बनते जा रहे हैं, तो इधर से बाय की सलाह।